हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं हूँ ज्योति और मैं 30 ब्लॉग का जो पार्ट सेकंड है वो लेकर के आई हूँ। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो ये भी पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अगर पसंद आएगा तो। और ये है मेरा साड़ी एंड ब्लाउज एंड सारा ज्वेलरी जो कि मैं तैयार होने जा रही हूँ। तो अभी शाम के बजे हैं 4:30 और मैं धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके अभी से ही रेडी होना स्टार्ट करूँगी। तो तब तक पंडित जी भी आ जाएंगे 6:30-7 बजे तक पंडित। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी मैं मेकअप करने के लिए आ गई हूँ। तो ये देख सकते हैं मेरा सारा मेकअप प्रोडक्ट्स और ये है ज्वेलरी जो कि मैं अभी पहनूँगी। तो चलिए फटाफट से मेकअप कर लेते हैं, एकदम ही सिंपल सा और इजी सा मैं करके दिखाऊँगी। आई होप कि आप लोगों को पसंद आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड मैं फिटमी का फाउंडेशन ले रही हूँ थोड़ी क्वांटिटी में लेकर के। मैंने ब्यूटी ब्लेंडर को आधे घंटे पहले ही पानी में डिबो के रख दिया था। अभी पूरा निचोड़ लिया, इसमें पानी नहीं है लेकिन ये बहुत ही स्पंजी हो गया। इससे उसके बाद फिर हम स्विस ब्यूटी का कंसीलर यूज़ करेंगे। तो कंसीलर जहाँ जहाँ पे चेहरा कंसील होता है वहाँ वहाँ पर लग लगा लेते हैं। सेट करेंगे तो जहाँ जहाँ पे हमने कंसीलर यूज़ किया वहाँ वहाँ पे हम लूज़ पाउडर यूज़ करेंगे। लूज़ पाउडर आप कोई सा भी ले सकते हैं। अगर आपके पास लूज़ पाउडर नहीं है तो वाइट टोन पाउडर होता है ना, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर कॉम्पैक्ट पाउडर है उससे भी अच्छा आता है, रिजल्ट अच्छा आता है। एंड कोई सा भी मेकअप पैलेट लेंगे, आई शेडो पैलेट लेंगे और उसमें से आपको जो ड्रेस का कलर आपको जैसा भी आपको चूज़ करना है। मैं जो क्रिएट कर रही हूँ, मैं पहले हल्का सा ऑरेंज कलर लूँगी मैट फिनिश वाला और इनको देख सकते हो। इसी तरीके से मैं सेम ये भी कर लूँगी, मैंने दोनों पे कर लिया। एंड मैं हल्का पिंक कलर लूँगी और इसे भी थोड़ा सा ऐसे। एंड अब हम कंसीलर लेंगे और आई ब्रोज को सेम इस तरीके से और इसे हम डेविंग मोशन में सेट करेंगे हाथों की हेल्प से। हम सिंगी कलर कोई सा भी आप ले सकते हैं, जैसे गोल्डन या फिर मैं यहाँ पे गोल्डन ही लेने की कोशिश कर रही हूँ। मैं यहाँ पे गोल्डन कलर का यहाँ पे आई बॉल्स पे सारा लगा दूँगी। इसके एजेस को हम क्लीन कर लेंगे या उसके बाद ही हम ग्लिटर हल्का सा लगा लेंगे। एक मैंने ग्लिटर पैलेट लिया है और इसमें से हल्का सा एकदम ही ग्लिटर यूज़ करेंगे क्योंकि ज़्यादा यूज़ करने से वो फेस पे भी गिर जाता है।
कंटूर कर लेंगे हल्का सा। तो मैंने सेम पैलेट से ही कंटूरिंग लिया है। नोज एरिया को आप हैंड से भी कर सकते हैं। हल्का सा प्रोडक्ट लगाना है ताकि ज़्यादा पैची सा ना दिखे। अपने आईब्रो को फेल करेंगे क्या बेटा? ये देखो। हाँ ठीक है। सेम पैलेट से हम ब्लशर यूज करेंगे। तो मेरा साड़ी हल्का पिंकिश जैसा ही है तो मैं पिंकिश से ब्लशर अप्लाई करूँगी। थोड़ा सा नोज पे भी लगा लेंगे हम, क्योंकि हमारा नोज पे रेड रेड से बहुत ही सुंदर सा दिखता है। एंड थोड़ा सा यहाँ पे चेन पे लगा। थोड़ा सा फ्लैट ब्रश लेंगे और उसके हेल्प से हम अपने आईलिड एरिया को भी सेम ब्राउन एंड पिंक से एंड उसके बाद फिर अप्लाई करेंगे हम व्हाइट काजल। हमारी आंखें बहुत ही बड़ी बड़ी और सुंदर दिखती हैं तो आप अपने मेकअप किट में व्हाइट काजल ज़रूर रखिएगा। एंड एक हाइलाइटर पैलेट लेंगे एंड अपने फेस को हाईलाइट करेंगे। मैं व्हाइट एंड हल्का सेम इसी तरीके से मैं सेकेंड एंड मैंने आई लैसेज अप्लाई कर लिया है। एंड फिर अब हम मस्कारा लगा लेंगे। सकते हैं मेरा आई मेकअप कितना खूबसूरत लग रहा है। तो हम लिपस्टिक अप्लाई करेंगे एंड मैं लिप लाइनर अप्लाई करूँगी उसके बाद देन मैं लिपस्टिक। मैं लिपस्टिक अप्लाई कर रही हूँ।
मेरा फुल एंड फाइनल लुक एंड मैं बिंदी लगा लूँगी सिंदूर एंड अपना जूरी पहन के, उसके बाद फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तो ये देखिए लोग, मेरा फुल एंड फाइनल मेकअप लुक, आई मेकअप लुक देख सकते हैं। एंड मेरी चूड़ियाँ, मैं आपको अपना फुल लुक दिखाऊंगी। मेरी जो ओनर है उनके घर में ही पूजा होता है, तो बहुत ही अच्छे से धूमधाम से हम लोग तीज पूजा मनाते हैं। तो ये देखिए डेकोरेशन कैसा हुआ है, बहुत ही अच्छा डेकोरेशन हुआ था एंड सब तैयारी हो चुका है। यहाँ पे भगवान जी भी बना दिए गए हैं, ये शिव जी हैं एंड पार्वती माता एंड गणेश भगवान जी, इन तीनों को पूजा करना है। तो चलिए देखिए फ्रेंड, हम लोग सब औरतें रेडी हो गई हैं, बाकी सब अभी आना बाकी है, हम लोग इतना भी हैं। तो सब लोग बोलिए हाय। तो चलिए पूजा पे मिलते हैं। तो पंडित जी को आने में थोड़ा समय था, तो उन्होंने मोबाइल पे ही बोला कि आप लोग तब तक फ़ोटो के पास में पूजा कर लीजिए, उसके बाद फिर हम आएंगे। तो बालू के जो हम लोगों ने भगवान बनाया है वहाँ पे पूजा कराएंगे एंड कथा सुनाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पे हम लोग पूजा कर लेते हैं ताकि पंडित जी आएंगे तो हम लोग सिर्फ। एंड आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरा मेकअप लुक कैसा लग रहा था एंड मैं कैसी लग रही थी। तो आई होप कि आप लोगों को मेकअप पसंद आया होगा और आपके लिए हेल्पफुल रहा है। तो उत्तर की ओर एक बड़ा रैनिक और पर्वतों में से हिमवान नामक का एक पर्वत है, उसके आस पास तरह तरह की भूमियां और तरह तरह के दिव्य उसके ऊपर लगे हुए हैं, नाना प्रकार के पक्षी उसके ऊपर और पशुओं निवास करती है। वहाँ पर पहुंच करके गंगराजनाथ करते हैं, पक्षी के सर्वदा प्रसन्न मन से विचरते हैं, पहुंच कर गंगराजनाथ से गाते हैं। पर्वतराज इतना अधिक ऊंचा शिखर भी दिखाई देता है, धैर्य आदि के धनों से भरे हुए है, पर्वत अधिक ऊंचा और अधिक ऊंचे है, मित्र की ध्वनि समझ कर आकार में स्पीड कर सकते हैं, इसलिए समस्त जल का ध्वनि भी सुनाई देती है। हे पार्वती, तुमने उस बालकांड में उसी पर्वत पर तुमने 12 वर्ष। एंड आगे मैंने कुछ पिक्चर डाला है, वो भी आप देख लीजिएगा। एंड मुझे क्या गिफ्ट मिला इस तीज पे मेरे हस्बैंड से, वो मैं आपको इसके अगले वाले पार्ट में दिखाऊंगी। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, तीज ब्लॉग। तो अगर पसंद आया थोड़ा सा भी तो लाइक कर दीजिएगा एंड कमेंट करके बताइएगा जो भी आपको पूछना है या फिर कहना है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेल एंड टेक केयर एंड बाय बाय।